दोस्तों अगर आप भी T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की बदौलत टीम इंडिया ने जीता हारा हुआ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, तो फूट फूट कर रो पड़े साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान एडन मार्करम ने भारत के लिए जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर क्या बोले एडन मार्करम वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और एडन मार्करम में से कौन अच्छा कप्तान है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आप तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए। इस दौरान भारत के लिए शुरुआत तो अच्छी रही नहीं थी, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा 9 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, तो ऋषभ पंत 0 रन पर केशव महाराज को अपना विकेट दूसरे ओवर में दे बैठे थे और फिर सूर्य कुमार यादव भी 3 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों ये तीन बड़े झटके 34 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद यहाँ भारतीय टीम काफी दबाव में थी, लेकिन विराट कोहली और अक्षर पटेल ने मिलकर फिर साझेदारी को संभाल लिया था, जहाँ इस दौरान विराट कोहली ने 76 तो अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए और शिवम दुबे के 27 रन की बदौलत भारत की टीम 176 रन तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। अब साउथ अफ्रीका के लिए तो सबसे ज्यादा 2-2 विकेट केशव महाराज और एनरिक नॉरकिया को मिले, तो 1-1 विकेट मार्को यांसन और कगिसो रबाडा के नाम रहा। अब बारी थी साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम तो इतनी फिसड्डी साबित होगी इसका अंदाजा किसी भी भारतीय ने नहीं लगाया था। हुआ ये कि क्विंटन डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे और यहाँ पहला ओवर भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने करवाया, जहाँ इस ओवर में तो भले 7 रन आ गए, लेकिन दोस्तों अब असली मैच तो शुरू होना बाकी था जब जसप्रीत बुमराह अपना ओवर लेकर आए और यहाँ बुमराह ने आते से ही रिजा हेंड्रिक्स का विकेट चटका दिया, जो कि 4 रन बनाकर ही आउट हुए। और मार्करम के आउट हो जाने के बाद फिर ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए यहाँ 58 रन की साझेदारी की, लेकिन यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स 31 तो क्विंटन डिकॉक 39 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए, यहाँ पर पूरा मुकाबला भारत की ओर झुकता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल का एक ओवर जिसमें उन्होंने 24 रन पड़वा दिए, 15वां ओवर वो पारी का था और इस ओवर के बाद पूरा गेम चेंज हो गया। और दोस्तों जैसे ही हार्दिक पांड्या ने हेनरिक क्लासेन का विकेट लिया, वहां से पूरा मुकाबला पलट गया और इस मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की बदौलत टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही। जी हां दोस्तों, यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जो कैच डेविड मिलर का हार्दिक पांड्या के ओवर में लपका वो गेम चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ और यहाँ भारत की टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करके करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। और इस मैच में मिली शानदार जीत के बाद एडन मार्करम काफी ज्यादा रोते हुए नजर आए, जहाँ उन्होंने कहा भारत की टीम का प्रदर्शन हमारी टीम के कंपैरिजन में आज काफी अच्छा रहा, हमने इस मैच में लगभग वापसी कर ली थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो कैच डेविड मिलर का लिया वहां से पूरा मुकाबला पलट गया। अगर डेविड मिलर आउट ना होते तो शायद लास्ट ओवर में हम 16 रन आराम से बना सकते थे और हेनरिक क्लासेन को हार्दिक पांड्या ने जब 17वें ओवर में आउट किया तभी हम मैच को हार चुके थे। हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर का मैदान पर टिके रहना हमारी टीम के लिए काफी जरूरी था, लेकिन हम हार्दिक रोहित की कप्तानी और सूर्य कुमार के कैच के आगे अपनी टीम को जिता नहीं पाए। आज मैं काफी दुखी हूँ और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा और मैं हार्दिक पांड्या और मैं पूरी भारत की टीम को बधाइयां देता हूँ ये T20 विश्व कप जीतने की। तो दोस्तों यहाँ पर शानदार बयान देकर एडन मार्करम ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता। बाकी अब आप क्या मानते हैं कि एडन मार्करम ने जो कहा वो सही है फिर गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप ही जीत जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों गीले मैदान और बारिश के चलते मुकाबला तो शिफ्ट हो ही गया है, लेकिन अब BCCI का ऑफिशियल अपडेट आया है कि मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, कितने ओवर की कटौती होगी और वो समय भी आ चुका है जिस वक्त पर रोहित अपनी पलटन के साथ कनाडा का संघार करने के लिए मैदान में उतरेंगे। आखिरकार दोस्तों कितने बजे से मैच शुरू होगा, कितने ओवर का आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या शुभमन गिल को ड्रॉप करने का फैसला सही है या गलत, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम की तलवार हर एक टीम पर चली है और हर एक टीम की हमने गर्दन उड़ाई है, वो चाहे USA हो, चाहे पाकिस्तान हो या आयरलैंड क्यों ना हो। अब इस ग्रुप की आखिरी टीम यानी कि कनाडा की टीम को रौंदना है,
इन्हें रोंदना कोई बड़ी बात नहीं है और इन्हें कुचलने के लिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम लाउडर हिल यानी कि फ्लोरिडा में पहुंची है। वैसे दोस्तों यहाँ का इतिहास बहुत ज्यादा नायाब है। यहाँ पर भारत ने बहुत मैचेस जीते हैं। इनफैक्ट एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में भारत ने यहाँ पर लगभग 250 चेज भी कर दिया था। खैर दोस्तों आपको बता दें कि आज के मैच की बात करते हैं। देखिए कनाडा एक ऐसी टीम तो है नहीं जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जाए, लेकिन फिर भी मैच तो है ही ना, और इस मैच को जीतकर भारत को पॉइंट टेबल में अव्वल दर्जे पर रहना ही है। लेकिन इससे पहले कि मैच शुरू हो, दोनों टीमें मैदान में आए या फिर टॉस भी हो जाए, एक चौथी टीम मैदान में आ गई। देखिए एक टीम होती है भारत की, दूसरी कनाडा की, तीसरी अंपायर्स की, तो चौथी होती है बारिश की या गीलेपन की। जो बारिश के चलते इस मैदान में है, फ्लोरिडा में पिछले 2 से 3 दिन लगातार झमाझम खतरनाक बारिश हो रही है और उसी बारिश के चलते मैदान के ड्रेनेज सिस्टम भी अटक गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस मैदान में हुआ। लाउडर हिल के स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम तो है, लेकिन इतना भी जबरदस्त नहीं कि 2-3 दिन हो रही लगातार बारिश के बाद वो मैदान को बड़ी आसानी से सुखा दे, क्योंकि दोस्तों बारिश तो हो ही रही है, पूरे दिन से बारिश हुई है, जिसके चलते दोस्तों मैदान में टॉस भी नहीं हुआ। और आप सभी जानते हैं कि एक बार टॉस हो जाए फिर चाहे कितनी मर्जी देरी हो, शायद तब ओवर्स की कटौती नहीं होती, लेकिन टॉस भी ना हो और मैच भी शुरू ना हो तब ओवर्स की कटौती होना कंफर्म होता है, और ऐसा ही इस मैच में होगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैच खेलने के लिए इंस्पेक्शन 8 बजे होना था, लेकिन 8 बजे आए तो पता चला कि अब सीधा 9:15 पर इंस्पेक्शन करेंगे, और दोस्तों ठीक 1 से 1.25 घंटा हो चुका है अब टॉस के लिए। इनफैक्ट जब तक इंस्पेक्शन करने आएंगे तब तक 1.5 से 2 घंटे बीत चुके होंगे और अभी भी टॉस नहीं हुआ। और यदि ऐसा होता है कि 9:15 पर भी टॉस नहीं हुआ ना, तो पक्के हैं कि इस मैच में 5-5 ओवर तो कटेंगे ही, और यदि फिर भी मैच 10 बजे तक नहीं होता तो फिर ये मैच 5 से 7 ओवर की कटौती के साथ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 11 बजे तक ये मैच शुरू हुआ तो ये केवल और केवल 5-5 ओवर का मैच घटकर रह जाएगा। उसके बाद भी मैच नहीं हुआ तो मैच रद्द, दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा और फिर देखा जाएगा कितना कितना पॉइंट टेबल में किसको क्या फायदा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन हम अपनी टीम को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। आप सभी को क्या लगता है, जब भारतीय क्रिकेट टीम कनाडा के सामने उतरेगी तो जीतेगा कौन, भारत या कनाडा? नीचे कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी हार्दिक पांड्या, हर्षदीप सिंह और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं और चाहते हैं भारत वर्ल्ड कप जीते, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक है। दोस्तों हर्षदीप के तूफान, हार्दिक पांड्या की रफ्तार और बुमराह के चमत्कार के आगे ना आयरलैंड की टीम कुछ इस तरीके से पिटी के 44 पर 5 विकेट हो गए और मैच तो हमने गेंदबाजी से ही जीत लिया। आज आखिरकार कैसे वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी से मैच को पलटा और रोहित शर्मा ने अपने फैसलों से, बाकियों की भी गेंदबाजी दोस्तों आपको दिखाएंगे, जिसके चलते भारत तो गेंदबाजी में ही जीत गया। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ होगी ये तो पता था, लेकिन बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गेंदबाजी मैच को जिता देंगे, वो भी 8 और 10 ओवर के अंदर ही, ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज नियो के इस मैदान में भारत की वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है, सफर शुरू होता है जीत का, उस जीत का जिसका इंतजार 10 साल से है। एक भी ICC ट्रॉफी जीत नहीं, लेकिन इस बार की शुरुआत चीख चीख कर कह रही है कि विश्व कप तो हमारा है। दोस्तों आयरलैंड की टीम के साथ हमारा पहला मुकाबला था, जीतना तो था ही, लेकिन रोहित शर्मा की किस्मत इतना ज्यादा उनका साथ दे गई कि ना वो केवल टॉस जीते बल्कि मैच विनिंग गेंदबाजी सिलेक्शन भी उन्होंने किया। दोस्तों बुमराह, सिराज और अर्शदीप तो टीम की रफ्तार को संभालते ही हैं, लेकिन एक और ऑलराउंडर है जो जबरदस्त फॉर्म में आ चुका है, हार्दिक पांड्या। जो समा पांड्या ने बांधा उसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों गेंदबाजी की बात करें तो नई गेंद से इस बार रोहित शर्मा ने अर्शदीप पर भी भरोसा जताया। विराट कोहली के समर्थन के चलते अर्शदीप में इतना जोश था कि शुरुआती 2 विकेट उन्होंने ही लिए। आपको बताएं दोस्तों कि कप्तान को आउट करने वाले पॉल स्टर्लिंग को अर्शदीप सिंह ही थे। अर्शदीप सिंह ने दोस्तों पॉल स्टर्लिंग को पारी के 3rd ओवर की पहली गेंद पर पकड़ लिया था, पंत के हाथों कैच आउट कराया गया। उसके बाद एंड्रू बलबरिन नाम के खतरनाक खिलाड़ी को भी उन्होंने इसी ओवर की 6ठी गेंद पर आउट किया क्लीन बोल्ड करके। 2 और 5 रन पर इतने बड़े झटके लगने के बाद आयरलैंड की टीम पूरी तरीके से टूट गई थी। इसके बाद लॉर्कन टकर नाम के खिलाड़ी 13 गेंद में 10 रन बना चुके थे और हैरी टेक्टर नाम के खिलाड़ी अब 4 रन बनाकर मैदान में सेट होना चाह रहे थे। इससे पहले कि दोस्तों पांड्या स्ट्राइक करते, जसप्रीत बुमराह प्ले में आ गए। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दोस्तों टकर को ऐसी गेंद डाली कि वो दोस्तों कोहली को पॉइंट पर कैच समा बैठे थे। अब ये 3rd विकेट था, वो भी 28 रन पर, लेकिन असली मजा तो दोस्तों पांड्या की गेंदबाजी को देखने में आया। मतलब कि कमबैक हो तो पांड्या जैसा हो, ये मुंह से निकला। पारी के 8वें ओवर की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब टेक्टर नाम के खिलाड़ी को हार्दिक पांड्या ने दबोचते हुए सबसे पहले क्लीन बोल्ड किया,
200 विकेट कीपर हैं लॉर्कन ट्रैक्टर और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पांड्या की गेंद पर चकमा खा गए। ये चौथा विकेट था जो 36 रन पर हुआ था, लेकिन अगला 200 विकेट भी पांड्या के नाम ही लिखा था। ये पांचवा विकेट होने वाला था दोस्तों। आपको बता दें कि कैंपर नाम के खिलाड़ी को जो 12 रन बना चुके थे, पंत के हाथों कैच आउट कराने वाले हार्दिक पांड्या बने। इसके बाद डॉकरल को सिराज ने आउट किया, वो भी मात्र 3 रन पर। 200 इस टीम के जहां 44 पर 5 थे तो 46 पर 6 थे। ऐसा लग रहा था कि एक दो रन और होंगे तो एक दो विकेट और टपक पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से दोस्तों हमारे गेंदबाजों ने आज बखियां उधेड़ कर रख दी इस आयरलैंड की टीम की। वैसे आपको बता दें कि इसमें रोहित और कोहली को भी बराबर का श्रेय जाता है, क्योंकि गेंदबाजी का सिलेक्शन उन दोनों ने मिलकर ही किया था। लेकिन दोस्तों आप सभी खासतौर पर हार्दिक पांड्या और अर्शदीप की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, क्योंकि इनका कमबैक भारत के लिए जरूरी था इस वर्ल्ड कप में। नीचे कमेंट करके 10 में से नंबर जरूर दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।